एवरीवन जय मा समले जय जगन्नाथ केन्ता छन अपन मने आज ही होची अमर वृंदावन रो डे 3 बट आज आ वृंदावन रे मैं नाही रहू इनु सीधा आज आगरा इटा रेडी हे गलो न चेक आउट कर दमो रूम आ लगेज भी सब रेडी हे गला न छन पलामू सीधा आगरा आगरा रे आज दिनटा बुला बुली करी की इवनिंग रे डायरेक्टली दिल्ली पलामू काली अमर फ्लाइट अछे फेर अबुधाबी लगी तो आपण मैंने तो देखी थे लास्ट दुईटा ब्लॉग वृंदावन आर सब मैंने मथुरा गो वृंदावन सब केन्ता केन्ता लगला जे मत कहे आन गोटे कथा कहमी जेन मैंने आसबे आपण मैंने मानने गो मथुरा वृंदावन जेन मैंने दर्शन करवा लगे बुलवा लगे प्राय सब मंदिर 12 नु 4 बजे तक प्राय बंद रहसी तो ट्राए करेंगे कि 12 बजे आघर तक मैंने जेनता सब दर्शन करेंगे आउ इवनिंग आफ्टर 4 आपण मैंने दर्शन कर पार्बे मंदिर रो तो हेन्ता टाइमिंग करके सब आसबे बुलाबुली करेंगे ना मानने मझीरे आसले मंदिर सब बंद थीसी मानने 12 नु 4 जेनता मुझे कहली तो हेटा टिके ध्यान रखबे आ बहुत बढ़िया जगह है बहुत बढ़िया लगला गोटे पॉजिटिव मानने भाइब्स मिलूँ नासी कृष्णंकर जन्मभूमि भी कल गलु जेनता आपण मैंने तो देखिथे लास्ट ब्लग जी ना देखे बोले जाऊन लास्ट ब्लग मोर देखुन तो चलुन फिर आज आगरा एक्सप्लोर करमा आगरा केन्ता केन्ता सब लगवा जे आपण मैंने भी देखे आय करमी जेनता मुझे कहसी मानने जितकी हो पार्बा पसिबुल मुई वीडियो बनामी आपण संगे सेयर करमी आउ तो फिर चलुन आज ब्लॉग के स्टार्ट करमा टिके न अटकी छु आम ब्रेकफास्ट करवा लगी आउ पूरा मानने कुहुड़ी अच्छे न एछन तक भी रास्ता रे बहुत ठंडा लगुच पूरा मैं बाहर बसमा भल लगवा ढाबा रो फील आसवा कुट्टू पापा इज कॉलिंग बाबा इज कॉलिंग अमूल आइसक्रीम यस यस विल गेट टेस्ट बापा व्हाट इज दिस नो दिस इज ढाबा रेस्टोरेंट आउटसाइड रेस्टोरेंट बाहर बोलिए ना आउटसाइड ताजमहल पाके पूरा गाड़ी इटा ना आसवार तो आम इटा इ रिक्सा आसलू आईटा पहुँची गलान ताजमहल सामना के मानने एंट्रांस के लॉक रूम रो फैसिलिटी भी अच्छे जो सामान सब थी इन रखी पार्बे भिड़ पूरा करने के लिए प्रोवाइड की गई है जिसमें आप 18 सेंचुरी से लेके 2018 तक की आप पिक्चर सी करेंगे ईयर मेंशन है उसके 4th ईयर का पिक्चर है तो ईयर बाय ईयर जस्ट ताजमहल को डेवलप किया गया नॉट अ न्यू कंस्ट्रक्शन गार्डन से ट्रीज है जस्ट डेवलप है नॉट अ न्यू कंस्ट्रक्शन तो ब्लैक एंड व्हाइट टू कलर इटा पूरा मैंने आघर ताजमहल नु पूरा अच्छा तक सब फोटो अच्छे सब ईयर भी लिखा है छे ना ये था टिकट काउंटर पहले अच्छा अभी जो मैनुअल टिकट काउंटर है ओवर देयर
बट क्या है ना वो साइट है ना, टुडे इज वेरी लॉट ऑफ क्राउड, तो इसलिए हमने ऑनलाइन का प्रोसेस यूज किया। अगर हम वहाँ जाते तो हमारा आधा पौन घंटा टिकट कलेक्ट उसमें चला जाता। ये सब ऑफिस है उनकी, बट लिविंग उनका आउटसाइड उनको दिया गया गवर्नमेंट साइड से, बट ये ऑफिस है यहाँ पर ड्यूटी चेंजिंग। तो जिस एरिया में हम खड़े हैं ये एरिया ताजमहल का फोर कोर्टयार्ड एरिया कहलाता है, फोर आनंद वाला एरिया। इसमें एंट्रेंस करने के लिए हमारे को थ्री गेट मिलते हैं। फर्स्ट गेट रहता है वेस्ट गेट, दिस इज द जनरल गेट। बट जितनी वी आई पी ताजमहल देखने के लिए आती है तो वो एंट्रेंस के लिए इस गेट को यूज करती है, इसलिए वी आई पी गेट इसको कॉल किया। एंड थर्ड गेट योर बैक साइड रहता है, जो आप स्टेप देखिए वहाँ। थर्ड गेट है साउथ गेट, दिस इज लेबर्स कॉलोनी गेट। ताजमहल को जिन वर्कर्स को बनाया था उनका जनरेशन बाई जनरेशन जो आगरा में अभी भी लिविंग करते हैं, इस गेट के बिहाइंड में लेबर्स कॉलोनी है, दिस इज ए लेबर्स कॉलोनी गेट। और ये लेबर्स कॉलोनी है बाय मुगल शाहजहां द्वारा ही बनवाया गया। अच्छा। एंड हमारे नॉर्थ में आता है ताजमहल का फोर्थ गेट, जो कि ताजमहल के एंट्रेंस के लिए ओनली वन गेट रहता है, दिस इज द मेन गेट ऑफ ताजमहल। वो ना यस, इसी से हम बिल्डिंग इन करेंगे और इसी से आउट करेंगे। दिस गेट नेम इज रॉयल गेट, शाही दरवाजा। ताजमहल को बनने में लगा था 22 साल का समय। अच्छा, ताजमहल टोटल 22 साल लगा था। कितने क्राउड पूरा मैंने भर्ती सबुआड़े लोक सबुआड़े पूरा भर्ती है नेम इज अंजुमन बानो बेगम। अच्छा, मुमताज दिस नेम गिव शाहजहां, और शाहजहां ने ये बिल्डिंग मेकिंग कराया था। अच्छा, ये ओरिजिनल हाँ सब ऑल उसी टाइम का है, कोई भी नहीं, जस्ट डेवलप किया गया, जैसे गार्डन में ट्री डब लगे, न्यू कंस्ट्रक्शन कोई भी नहीं है। यू नो अरबी लैंग्वेज में शाहजहां का मीनिंग होता है किंग ऑफ द वर्ल्ड, किंग ऑफ द वर्ल्ड, किंग ऑफ द वर्ल्ड, सारे जहाँ का, सारे जहाँ वही नाम अंजुमन बानो बेगम, वो नाम किस किस फिल्म में है या अब फिल्म का मूवी वो है आपका जो दिलीप कुमार मूवी में उस टाइम मोहम्मद सामुदी निक नेम खुर्रम, पर जब ये किंग बने तब ये नेम यूज किया गया शाहजहां। अरे वो पिक्चर में खुर्रम नाम क्या खुर्रम, जिसका निक नेम खुर्रम। ये ताजमहल जो आप बिल्ड देखने आए हो ये फुल वाइट वाइल्ड से बनाया गया। इस बिल्डिंग का जो हाइट है वो 243 फीट आता है बॉटम टू टॉप तक पूरे टोटल। यस, ठीक है। टू टावर फ्रंट साइड है, टू टावर बैक साइड है। इन टावर्स को आप देखिए, इनको बिल्कुल स्ट्रेट कंप्लीट नहीं किया गया है, इन्हें ऑल टावर को 2 डिग्री आउटसाइड टिल्टेड बनाए गए। अच्छा। वाई बिकॉज ताजमहल बिल्कुल बनने में 22 इयर्स का जो लॉन्ग टाइम लगा वो इसका वर्क है। बट फर्स्ट रीजन जो सेंटर वाली बिल्डिंग के इनसाइड में शाहजहां मुमताज दोनों हस्बैंड वाइफ का ग्रेव दिया गया है, सो ऑल मीनार को आउटसाइड टिल्ट इसलिए कंप्लीट किया गया ताकि फ्यूचर्स में कभी अर्थक्वेक का प्रॉब्लम हो तो दैट टाइम में ऑल टावर नॉट फॉलोन ऑन दिस बिल्डिंग, फॉलोन आउटसाइड। ये म्यूजियम है ना, अपोजिट वन दो है, दो म्यूजियम है, बट मुगल टाइम बहुत आर वाटर पैलेस। अपोजिट साइड ये मस्जिद है, अपोजिट साइड रॉयल गेस्ट, रॉयल गेस्ट। तो ये यमुना रिवर है जो कि उत्तराखंड से दिल्ली, दिल्ली से मूव करके मथुरा, फिर आगरा, फिर आगे जाएगी ये इलाहाबाद जिसे न्यू नाम प्रयागराज बोलते हैं, और वहीं पर तीनों का संगम होता है। तो ये यमुना रिवर है। एंड सामने आप जो रेड वाला डोम देखेंगे वहाँ बना है, तो वहाँ से स्टार्ट होकर ये यहाँ तक पुलिस का बूथ है, ये पूरी प्रॉपर्टी, मिडिल में ग्राउंड देखते हैं। सो नाउ दिस प्रॉपर्टी नेम इज ए मेहताब गार्डन, बट ये ब्लैक ताजमहल की प्रॉपर्टी है, शाहजहां एक नेक्स्ट मोनूमेंट और बनवाना चाहते थे, सेम इसका रिप्लिका ब्लैक वन। बीच में वो गाड़ियां भी इधर
तो ये जो मिडिल में आप जो ग्राउंड देखते हैं यहाँ पर जैसे व्हाइट बिल्डिंग है वहाँ ब्लैक बिल्डिंग होती है उसका एंटर उस साइड से होता है तो सेम परफेक्ट कार्बन कॉपी बनवाना चाहते थे ब्लैक वन 4 इंच का तो मेरी वाइफ के लिए व्हाइट में मेरा एग्जैक्टली सबके अपोजिट ब्लैक के अंदर सो कंस्ट्रक्शन का वर्क स्टार्ट किया गया था 1658 में अच्छा स्टार्ट हुआ था जस बाउंड्रीज कम्प्लीट हुई थी तो सेम उसी टाइम में शाहजहां के स्मॉलर सन थे औरंगजेब उन्होंने अपने फादर आगरा फोर्ट ओवर देयर आगरा फोर्ट सामने है पर फोर्ट है उसकी वजह से आपको क्लियर नहीं दिख रहा है सामने दिखता है हल्का देखोगे थोड़ा डार्क से दिख जाएगा पर थोड़ा फोग है इस वजह से नहीं दिखा तो वहां पर उन्होंने हाउस अरेस्ट कर दिया था हाउस अरेस्ट करने का रीजन जो मैंने आपको बताया था मुगल टाइम में बिल्डिंग को बनाने में 4 करोड़ 18 लाख रुपया खर्च हुआ सेम अमाउंट नेक्स्ट प्रोजेक्ट में भी यूज हो रहा था बट वो नहीं चाहते उसके अंदर पब्लिक मनी यूज उसी ने फादर को आगरा फोर्ट में अरेस्ट किया और वहीं पर 1668 में शाहजहां का डेड हो गया था आगरा फोर्ट तो नाउ दिस प्रॉपर्टी नेम इज द मेहताब गार्डन दिस इज अ विजिटिंग पैलेस एंड शूटिंग पैलेस चिकुर गच्छ माने चिकु भी है से पूरा फुल फुल अच्छे इतरो जाना ना पड़वर इतके कैमरा रे सब चिकु गच्छ है आ बहुत बहुत बढ़िया जगह तो फिर चलो नेक्स्ट नेक्स्ट किन के जिमा में छे नेक्स्ट किन के जिमा देखमा मैं फिर आपन को अपडेट दो छे आ ई वीडियो रे टिके लंबा हबा तो मैंने सब मुई गाइड नु बुझी सब मैंने पचर कि सब मैंने कहूँ से तो टिके लंबा हबा पेसेंस से सुनबे टिके वीडियो के भल लगवा आपण मन को भी तो फिर चलून देखा हबा फिर पछे मुटु के मानबा के पड़ा पर हेतकी चली चली है हेतकी दिन बाय बाय ताज सी यू सून ता मैंने सब हूँ रूम मैंने जिते ताजमहल बना होता से वर्कर्स मैंने रोते आई रूम मैंने देख मैंने क्लोज नाइन सेपरेट सेपरेट नाइन पूरा गुटे ही आए सब एटेज अच्छे रूम मैंने प्रीटा आम पलि आसी मानने ताजमहल नु टे लंच करवा लगे बहुत टाइम हो जाता बोले अलग आड़े आ कैसी आड़े प्रोग्राम ना कलु इन टे पेठा घिनुचु आग्रा आसिकी पेठा ना घिनले तो ना हुए आनु बापा मैंने मो फादर इन लॉ अंकल करके पलाले हरिद्वार तंकर बस थिला डायरेक्ट आग्रा नु हरिद्वार आनु आम पलि आसी डेली इटा मैंने बापा मार काली थिला फ्लाइट झारसुडा के आमर थिला आबुधाबी के तो इटा डेली रे चेकिंग करछु होटल रे आ बहुत लेट हो जाइला न प्राय 11 बजे न रातिर मैंने आम से 4 बजे बाहरलु आग्रा न आ डेली प्राय 11 बजिगला तो पूरा अथा लग जाइला न बहुत बापा माँ तो पूरा टायर्ड हो जाइले न तो फिर चलुन आज ब्लॉग के न एंड करमा आई होप आपन को भल लगी केंता लगला मते कमेंट्स करबे बताबे आ प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करवा के नाई भूल।